स्वामी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सूबे में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बिहार में कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और आपराधिक मनोबल उसके सर चढ़कर बोलते रहता है। यहां तक कि अपराधियों को पुलिस तक का भय नहीं लगता। ताजा मामला पटना से है जहां एक छात्र की अपहरण कर ली गई है, जिससे पूरा इलाका हड़कंप में आ गया है। पटना के राजीव नगर में छात्र के अपहरण से हड़कंप मच चुका है। मिल रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 18 में जहां से छात्र का अपहरण होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि छात्र की उम्र 17 वर्ष है और वो किसी काम से बाहर आए थे। इसी दौरान छात्र का अपहरण कर लिया गया है। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, SLR भी बरामद। बिहार के लखीसराय में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जिले में गुरुवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जिले के SP सुशील कुमार ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। नए मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी। भट के इंतजार में गेट पर खड़े रहे झा, नितिन नवीन ने कराया मंत्रोच्चार। फरवरी में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। जिले में भाजपा कोटे से 9 और जदयू कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं। अब नए बनाए गए मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज पदभार निर्माण मंत्री के रूप में भाजपा विधायक नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शराब के लिए दोस्त का गला काटने वाले की अब जेल में कटेगी पूरी जिंदगी, मिली उम्र कैद की सजा। पूर्णिया जिले से यह खबर सामने निकल कर आई है, जहां शराब के लिए अपने ही दोस्त का गला काटने वाले हत्यारे को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा ने यह फैसला सुनाया है। आज सजा के साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाला शख्स पूर्णिया जिले के बनमनखी के देवत्तर गांव का बताया जा रहा है। जमीन में दफन बालक बताएगा अपनी मौत की वजह। नवादा नगर थाना क्षेत्र के गोनवा के सूर्य मंदिर के निकट एक बालक के दफन शव को पुलिस के सहयोग से निकाला जा रहा है। परिजन का आरोप है कि उसके बच्चे की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस से पूरे मामले की जाँच की मांग की जा रही है। मंत्री पद को लेकर जदयू में भी बगावत। नाराज विधायक ने कहा, आखिर मुझ में क्या कमी थी, सीएम का करीबी तो मैं भी था। लंबे समय के बाद आखिरकार नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। जदयू के 8 और भाजपा के 9 विधायक ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। जदयू में भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। अब जदयू नेता गोपाल मंडल ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक बने नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बताया कि आलाकमान से आश्वासन मिला था, लेकिन उन्हें मंत्री मंडल में जगह नहीं मिली, जिससे वे आश्चर्यचकित हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर सनसनीखेज आरोप। संजय जायसवाल ने अपनी जाति के लोगों को बनाया मंत्री। जातिवाद करने वाले अध्यक्ष दे इस्तीफा। बिहार बीजेपी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अब आर पार की लड़ाई में उठ गए हैं। ज्ञानू ने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात कोई नहीं मानता तो संजय जायसवाल अपने पद से इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इन तमाम चीजों को अवगत कराने वाले हैं। आज पूरे बिहार से राष्ट्रपति को आजादी पत्र भेजेंगे तेज प्रताप।
लालू की रिहाई के लिए चला रहे कैंपेन। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए बड़े बेटे तेज प्रताप ने आजादी पत्र कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत लालू यादव की रिहाई के लिए देश में महामहिम राष्ट्रपति को एक आजादी पत्र लिखा गया है। तेज प्रताप यादव ने इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए 2,00,000 पोस्ट कार्ड छपवाया है। अब उन्हीं 2,00,000 पोस्ट कार्ड को महामहिम राष्ट्रपति को सौंप कर लालू यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। जहानाबाद में पुलिया उड़ाने की बड़ी साजिश को नाकाम, कैन बम बनाने का सामान बरामद। जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने समय रहते पुलिया उड़ाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए कैन बम बनाने का सामान बरामद किया है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।